आज बात उस व्यक्ति की जो बना देश का पहला दलित मुख्यमंत्री। वह अपनी ईमानदारी और कार्यशैली के लिए जाना जाता था। यह अपने जीवन में 3 बार CM और केंद्र में मंत्री रहा, लेकिन जब मौत हुई तो परिवार के पास श्राद्ध के लिए भी पैसे नहीं थे। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे लोग उसकी ईमानदारी के लिए याद करते हैं। उनके बारे में लोग अपने बच्चों को उदाहरण के रूप में बताते हैं कि बनना है तो ऐसा बनो। लेकिन आज के ज़माने में जैसे ही राजनेता शब्द का नाम जवान पर आता है तो लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो। दरअसल हम जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वह व्यक्ति बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। आज राजनेताओं की छवि जिस तरह की है, वह व्यक्ति उससे पूरी तरह से उलट है। उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वह सुबह कब आएगी फिर। सादगी ऐसी कि वे बैठक तक पेड़ के नीचे कर लिया करते थे। जब सोने की बारी आती थी तो वे झोपड़ी में अपनी रात गुजारा करते थे, लेकिन अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री के बारे में। यह कहानी है। कहानी क्यों, ये तो एक सुखद हकीकत है गुजरे दौर की। उस दौर की जब एक नेता ने ईमानदारी की वो मिसाल कायम की थी, जिसकी आज सिर्फ कसमें खाकर ही काम चला लिया जाता है। हो सकता है कि हमारे शब्द कुछ नेताओं को चुभे, लेकिन क्या करें, जो सच है वो है। भोला बाबू ने जो जीवन जिया, वैसा जीवन जीने के लिए ईमानदारी वाला कलेजा होना चाहिए। भोला पासवान शास्त्री बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री बने। वे पहली बार साल 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद साल 1969 में 13 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद साल 1971 में सबसे ज़्यादा 7 महीने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस दौरान उन्होंने कमाया तो बस अपना वेतन। हालांकि आज के नेता विधायक के बारे में अगर आप किसी से पूछेंगे कि वह सीधा यही कहेगा और कहते सुनेंगे कि विधायक बन गए हैं, अब उनके पास पैसे की बाढ़ आ जाएगी, यानी कि पैसे की क्या कमी होगी। लेकिन भोला पासवान शास्त्री जब मुख्यमंत्री से हटे तो उनके पास ईमानदारी था। ना तो वे पटना के पौश इलाके में घर था और ना ही कोई आलिशान बंगला था और ना ही कोई नेम प्लेट था जिसमें लिखा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री। इनका आखिरी समय एक झोपड़ी में गुजरा था। भोला पासवान शास्त्री को अगर हम राजनीतिक सफ़र के बारे में बात करेंगे तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। इनका योगदान देश की आज़ादी में रहा। बचपन में पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। इनकी शिक्षा बनारस के एक यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहां उन्हें शास्त्री की डिग्री मिली। यहीं से उन्होंने अपने आप को राजनीति में लाने का फैसला किया था। भोला पासवान का पढ़ना बहुत खास इसलिए भी था क्योंकि वो एक दलित समाज से आते थे। उस समय के समाज में संस्कृत और कर्मकांड का उच्च वर्ण पर कब्जा था। ऐसे में बिहार के पूर्णिया से एक दलित समाज का लड़का जब पढ़ने आया तो यह अपने आप में एक अलग था। जब वो केंद्र में मंत्री रहे या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वे पेड़ के नीचे ही अपना काम करते थे। वे नीचे जमीन पर कंबल बिछाकर बैठ जाते थे और यहीं अफसरों के साथ बैठकर आगे की कार्रवाई करते थे। बता दें कि वो इंदिरा गांधी की सरकार में साल 1973 में मंत्री रहे। नवभारत टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में उस समय के अधिकारियों ने बताया कि जब वो पहली बार भोला पासवान शास्त्री से मिले तो उन्हें लगा ही नहीं था कि मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। वे सियासत की मिट्टी के बिल्कुल अलग थे। उनके मन में जात पात का दुर्भावना थी ही नहीं। इस तरह के नेता आज कहाँ दिखाई देते हैं। बिहार में 3 बार के मुख्यमंत्री आज अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज के राजनेता पैसे के लिए जाने जाते हैं। इसलिए भोला पासवान शास्त्री का परिवार आज भी उसी झोपड़ी में रह रहा है जहां बैठकर वो विभाग की फाइलें देखा करते थे। भोला पासवान शास्त्री का जन्म पूर्णिया जिले के बैरगाछी में हुआ था। भोला पासवान शास्त्री की ईमानदारी का ही परिणाम है कि आज का उनका पूरा परिवार एक छप्पर के नीचे रहने को मजबूर है। मीडिया में आए दिन उनकी गरीबी की खबरें सुर्खियाँ बनती है। उन्होंने कभी बहुत अच्छा खाना खाने को लेकर जिद नहीं किया था और कभी ना ही इच्छा जताई थी। उन्हें जो भी रूखा सूखा मिल जाता था वे उसी में खुश हो जाते थे। यही कारण है कि वे अपने रहन सहन को लेकर हमेशा संजीदा रहा करते थे। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले भोला पासवान शास्त्री 9 सितंबर 1984 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस व्यक्ति की ईमानदारी देखिए कि इनकी मौत हुई तो परिवार के पास श्राद्ध के लिए भी पैसे नहीं थे। और चलते चलते आपसे एक सवाल कि भोला पासवान शास्त्री आपको कैसे राजनेता लगते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।